हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो धमाकेदार स्टॉक लेके आया हूं, जिनके दोस्तों Q2 के जो नंबर है ना, बहुत धांसू हमें देखने को मिले हैं, बहुत ही धमाकेदार देखने को मिले हैं। अगर दोस्तों ये दोनों स्टॉक को अभी तक आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं दिया है तो बढ़िया से जगह दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो फंडामेंटल कंडीशन है ना, बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है और आगे भी ये दोनों स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन सा कंपनी है, किस इंडस्ट्री में काम करता है और क्या है Q2 का नंबर। उससे पहले बाजार को देखिए, तो बाजार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पर क्लोज हुआ था। जब तक ये 17,500 के ऊपर है दोस्तों, बहुत अच्छा मजबूती देखने को मिलेगा। जब तक होप है कि दोस्तों ये बढ़िया 18,000 तक हमें लेवल दिखा सकता है। जैसे इसने ये लेवल तोड़ा, एक बार फिर से एक्सपेक्टेशन जागेगी कि स्टॉक 17,000 तक आ सकता है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। जैसा भी बाजार के ऊपर अपडेट आएगा, हम डेफिनेटली आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है, सबसे पहला जो कंपनी है, उसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, उसका जो शेयर का प्राइस है ना, वो हमें लगभग 344.85 रुपये का देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत छोटा सा शेयर का प्राइस है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली, प्रीवियस क्लोज था लगभग 350 रुपये के आसपास, ये ओपन होता है 353.20 रुपये पे। सेम प्राइस का हाई लगाता है और लो लगाता है 344.50 रुपये के आसपास का। मार्केट कैप की अगर मैं बात करता हूँ, 4,28,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो इसका 52 वीक का हाई है ना, वो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ही हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि इतना शानदार स्टॉक परफॉर्मेंस कर देगा, इतना शानदार कंपनी अपना Q2 का नंबर दिखाएगा। लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस देखिए, 6 महीने में 35% पैसा कमा के दिया है। एक साल की मैं बात करता हूँ, एक साल में 50% दोस्तों इसने पैसा कमा के दिया है। ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ओवरऑल में ये कंपनी दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हमें पुरानी देखने को मिलती है। और आप यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितना तगड़ा हमें देखने को इस कंपनी का मिल रहा है। और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों इस कंपनी को आप पहचानते हो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ा इस कंपनी का मार्केट में नाम है। कंपनी का नाम है ITC Limited। जिस प्रकार से Q2 के नंबर दिखाए हैं, बहुत अच्छा दोस्तों इसके तंबाकू प्रोडक्ट ने दोस्तों इसको बिजनेस करके दिया इस क्यू में। ठीक है, उसके साथ ही जो अदर बिजनेस थे वो भी सब ट्रैक पे आ चुके हैं, खास करके होटल वाला, एग्री वाला। ठीक है, उसके साथ ही टेक्नोलॉजी, ये सब डबल से ट्रैक पर आ चुके हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि दोस्तों बहुत जल्दी कंपनी डी मर्जर की प्रोसेस जो है वो चालू कर दे। डी मर्जर अगर दोस्तों बिजनेस को अलग करता है कंपनी, ठीक है, वैल्यू अनलॉकिंग अगर करता है, तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें आगे भी इस कंपनी से देखने को मिल सकता है। ठीक है, और अपडेट क्या आ रहा है इसका वो देखते हैं दोस्तों। अपडेट हमें ये देखने को मिल रहा है कि ITC ने जो Q2 के नंबर हमें दिखाएं वो बहुत तगड़े दिखाएं। ठीक है, तो जो एस्टीमेट थे, जो ब्रोकरेज हाउस का जो अनुमान था, उसको इसने बीट किया है। उसके साथ ही दोस्तों जो ब्रोकरेज हाउस है, इन्होंने बोला है टारगेट 400 रुपये का, और अभी आपने देखा 344 रुपये का शेयर का प्राइस है और ये 400 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बात हमें देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। कभी कंगाल करने वाला ये शेयर अब कर रहा है मालामाल, नए हाई पर इसका भाव पहुंच चुका है। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 405 रुपये तक ये जाएगा। अब हम पीछे क्यों हटे, जब दोस्तों एक्सपर्टों की राय इतनी तगड़ी आ रही है, तो हमें बिल्कुल भी दोस्तों पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल कंडीशन है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। 1910 से कंपनी क्या कर रही है, काम कर रही है। पहले खाली एक तंबाकू में काम करती थी, ठीक है, तंबाकू के साथ साथ आप देख सकते हैं दोस्तों इसने और भी बहुत सारे बिजनेस ओपन किए। FMCG में ही आता है तंबाकू, और FMCG के बहुत सारे प्रोडक्ट भी कंपनी क्या करती है, मार्केट में सेल करती है। होटल का बिजनेस है, पेपर बोर्ड का काम है, पेपर एंड पैकेजिंग का काम है, और एग्री का इसका बिजनेस है। ठीक है, तो जो होटल वाला बिजनेस है ये अभी ट्रैक पर आ चुका है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इस बिजनेस को दोस्तों क्या करें, ITC अलग कर दे। और जो सिगारेट, मतलब जो तंबाकू प्रोडक्ट है, वो 45% का इसको रेवेन्यू लाके देता है। ठीक है, मतलब ये अकेला ही बिजनेस काफ़ी बड़ा मार्केट लेके बैठा हुआ है। अब देखिए 4,28,000 करोड़ की कंपनी है, PE earning ratio देखिए कितना तगड़ा है। ठीक है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए कितना तगड़ा देखने को मिल रहा है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी हमें डेट फ्री देखने को मिलती है। उसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है, वो सेल्स देखिए कितनी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। जो प्रॉफिट है वो भी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, सेल्स कम किया है, ठीक है, सितंबर क्यों में, लेकिन प्रॉफिट
बहुत अच्छी तरीके से निकाला है। सालाना तौर का भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितना तगड़ा हमें देखने को मिल रहा है, कहां से कहां कंपनी का बिजनेस पहुंच चुका है। ये देखिए, सेल्स 27% की तेज़ी से बढ़ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 21% की तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, प्रमोटर्स का स्टेक जोरदार, FII का स्टेक जोरदार, उसके साथ ही दोस्तों गवर्नमेंट ने भी इस क्यू में अपना स्टेक को बढ़ाया है और पब्लिक के पास बहुत कम हमें स्टेक देखने को मिला है, क्योंकि जो FII है उन्होंने अपना जो स्टेक है वो इतनी ख़तरनाक तरीके से इंक्रीज़ किया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने भी खरीदारी की है, FII ने तो बहुत तगड़ा दोस्तों माल खरीदा है, और DIA को भी आप यहां पर देखकर चल सकते हैं। तो है ना दोस्तों, एकदम लॉन्ग टर्म के लिए जोरदार कंपनी, तो बिल्कुल भी इस कंपनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, फटाफट से दोस्तों इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपनी को देखते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट कंपनी है उसका जो शेयर का प्राइस है वो है 909.80 रुपये। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 2.25% की तेज़ी हमें देखने को मिली। इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो था 888.65 रुपये, 888 रुपये पर ओपन होता है, 910 का हाई लगाता है और 885.70 रुपये का लो लगाता है। 6,33,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। 52 बिक का हाई हमें देखने को मिल रहा है 936 रुपये का, मतलब 52 बिक के हाई के काफ़ी करीब यह स्टॉक आ चुका है। लास्ट एक साल में आप देख सकते हैं 8% तक इसने पैसा बना के दिया है। 5 साल की अगर मैं बात करता हूँ, 5 साल में 202% तक का इसने पैसा बना के दिया है। और ओवरऑल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कंपनी भी दोस्तों मार्केट में काफ़ी पुरानी देखने को मिलती है, और लगभग 22,200% का इसने रिटर्न दिया है। एकदम तगड़ी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तगड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम ज़रूर दोस्तों इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो हम किसकी बात करें, हम बात करें दोस्तों ICICI बैंक की, क्योंकि ICICI बैंक ने दोस्तों कल Q2 के नंबर हमें दिखाएं, ठीक है, और इतने खतरनाक हमें दिखाएं दोस्तों, जो एक्सपेक्टेशन नहीं था दोस्तों इसने वही किया है। तो क्या किया है दोस्तों Q2 के नंबर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ICICI बैंक ने दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37% का प्रॉफिट राइज किया है, ठीक है। इसके साथ ये देखिए, सितंबर तिमाही में 31% का बड़ा मुनाफा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,000 करोड़ का रहा। उसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों जो एस्टीमेट था बाज़ार का वो भी बीट कर दिया है इसने काफ़ी धांसू तरीके से। इसके साथ ही दोस्तों जो इसका बेड लोन है, ठीक है, जो बेड लोन, ठीक है, जिसे हम प्रोविज़न कहते हैं, ठीक है, वो गिरा है Q1Q बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। तो जब इतनी अच्छी इसने दोस्तों अपनी कंडीशन दिखा दिए हैं, ठीक है, कि प्रोविज़न, ग्रॉस NPA, नेट NPA, इनमें सब में दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, तो ज़रूर दोस्तों ये स्टॉक क्या करेगा, मंडे मार्केट में तो धमाका करेगा ही, और लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों क्या करेगा, एक बड़ा सा धमाका करेगा। तो ज़रूर दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, इस कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो में, इस बैंक के स्टॉक को भी हमें पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। इसका भी हम बाकी का अगर फंडामेंटल कंडीशन देखें, तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों ICICI बैंक का अगर परफॉर्मेंस देखें, तो देखिए अब बैंकिंग इंडस्ट्री की कंपनी है। अब देखिए जो क्रेडिट कार्ड वाली इंडस्ट्री है ना, उसमें इसका तीसरा नंबर आ चुका है, तीसरा नंबर। HDFC बैंक पहले पे, SBI दूसरे पे, और ICICI तीसरे पे। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसने मार्केट फैला के रखा है। तभी दोस्तों 6,00,000 करोड़ की ये कंपनी है। PE/earnings रेशियो देखिए कितना अच्छा है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए। उसके साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कंपनी का, देखिए कितने सारी HDFC बैंक है, उसके बाद ICICI बैंक आती है प्राइवेट बैंकों में, ठीक है, फिर कोटक, फिर एक्सिस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लीडर के नीचे वाली कंपनी को ही क्या कर रहे हैं, फोकस में रख रहे हैं। सेल्स देखिए कितनी तगड़ी तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, नेट प्रॉफिट देखिए कितनी तगड़ी तरीके से इंक्रीज़ हुआ है। सालाना तौर का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक तरफा देखने को हमें मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी दोस्तों बहुत खतरनाक देखने को मिल रहा है। सेल्स देखिए 15%, प्रॉफिट ग्रोथ 40%, ठीक है, इस हिसाब से बढ़ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि FII ने स्टेक को तगड़ी तरीके से ख़रीदा है, DI ने थोड़ा सा स्टेक को बेचा है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक
बढ़ाया है। तो दोस्तों जरूर हमें क्या करना चाहिए, ICICI बैंक को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए। ठीक है, तो ये है दो धमाकेदार कंपनियां जिन्हें दोस्तों हमें पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए, जो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। और ये दोनों कंपनी की जो फंडामेंटल कंडीशन है बहुत स्ट्रांग हमें देखने को मिलती है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। ठीक है, इन दोनों ही कंपनी से रिलेटेड आगे जैसा भी अपडेट आएगा हम डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों।